हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ट्विंस गोयल चैनल। आज का टॉपिक है बच्चे को जल्दी चलना कैसे सिखाएं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस बारे में कि बच्चे का चलना 8 महीने से 16 महीने के बच्चा आराम से चल सकता है। इस बीच में चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पॉइंट आता है कि बच्चे को जल्दी चलना कैसे सिखाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को चलने में मदद करता है मालिश। बच्चे की मालिश अगर रेगुलर बेस पर हो रही है तो बच्चे को चलने में बहुत मदद मिलती है। पैरों की मालिश करने से बच्चे अपने शरीर का जो वजन है उसको हैंडल करना सीख जाते हैं। बच्चों के चलने में सबसे ज़्यादा पैरों का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, इसीलिए पैरों की मालिश करना ज़रूरी है। तो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि बच्चों की पैर की मालिश कैसे की जाती है। बेबी की फुल बॉडी मसाज पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चे का घुटन चलना। जब बच्चा घुटन चलना सीख जाता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है अपने से ऊँची हाइट पर। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरा बेबी ऐसे है ना, लेटे होते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे को खड़ा होने में बहुत हेल्प देता है। आप अपने घर पर ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना सीखे। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं लड्डू को ऐसे छोटे छोटे टास्क देती हूँ जिनको कि वो पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर खड़ा होना सीखता है। प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाता है पर थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है। आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, मैं ऐसे टॉय रख देती हूँ तो बेबी उनको लेने के लिए खड़ा होता है। ये बहुत हेल्पफुल तरीका है बच्चे को ऐसे खड़ा करने का। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा खड़ा होना सीख गया है तो आप उसको सामने बैठ जाइए और उसको अपनी ओर बुलाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा छोटे छोटे कदम बढ़ा सकता है और आपकी गोदी में गिर सकता है। ये एक नॉर्मल तरीका है अब बच्चे को कदम बढ़ाने का। इससे ये होगा कि बच्चा है ना पूरा वजन अपने पैरों पर लेगा, जिससे कि बच्चा खड़ा होना और चलना सीख जाए। इसके बाद में बच्चे की फिंगर पकड़ के उसको अपनी ओर या आगे की ओर चलना सिखाएं। अगर बच्चा आपका अपने से चलने लगा है तो वो तैयार है बिल्कुल चलने के लिए, आप उसको ऐसे पकड़कर चलना सिखा सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। लड्डू ऐसे चल लेता है थोड़ा थोड़ा, पर प्रॉपर ऐसे खड़ा कर दो तो खड़ा नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं बना पाता है वो अपना, पर ऐसे उसको चलाते हैं तो वो चल लेता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं चलता, फिर वो बैठ जाता है। आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताना। उनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।